फ्रेंड्स, ये है महिंद्रा थार 2024 मॉडल 4x4 टॉप मॉडल। और इसमें दोस्तों आपको क्या क्या फीचर्स मिलता है, इसकी ऑन रोड प्राइस क्या है, डाउन पेमेंट कितना आएगा इसका, यानी कि अगर आप इसको ख़रीदते हैं तो भाई अगर आपके पास 20 लाख रुपए 15 लाख रुपए नहीं है तो आप कितना देकर इस थार को ले सकते हैं, फाइनेंस पर कितना एक्स्ट्रा जाएगा, ब्याज क्या लगेगा, ये भी मैं आपको समथिंग आपको एक आइडिया दे ही दूँगा। तो आप इस वीडियो को बस पूरा देखना और बेस वेरिएंट कितना एक आ गया वो भी बताऊंगा और इसका भी ऑन रोड प्राइस आपको बताऊंगा, दोनों का डिफरेंस भी आपको बता दूंगा, यानी कि फुल वीडियो। आपके अगर थार आप लवर हैं तो लाइक करो, कमेंट्स करो। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो इसकी जो एलॉय व्हील है ये आपका इस तरह से मिलता है, ठीक है। अगर आप बेस लेंगे तो उसमें स्टील व्हील मिलेगा, एलॉय नहीं आएगा, बाकी 18 इंच का ही रहेगा साइज सेम। दो डिस्क ब्रेक आगे, दो पीछे ड्रम रहेगा और इसके अंदर आपका ABS EBD ब्रेक असिस्ट यानी सेफ्टी नंबर 1 रहेगा। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका फॉग लैंप बेस में नहीं आएगा, इसमें आपका फॉग लैंप आ जाएगा, इंडिकेटर आपका बल्ब, यहाँ पर आपका DRL 12 वोल्ट 55x60 वाट का हेलोजन बल्ब देखने को मिलेगा। महिंद्रा का सेंटर पे आपको बेजिंग ज़बरदस्त 3D ग्रे कलर की, यहाँ पे आपका थार का बेजिंग आएगा, आगे यहाँ पर नंबर प्लेट आएगा लेकिन उस पर आपको थार अभी कंपनी लगा के रखी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका बोनट है, बोनट का यहाँ पर ये लॉक दिया गया है, इस तरह से आपका लुक आएगा, फ्रंट प्रोफाइल इस तरह से ये देखिए, इस तरह से ये दिखने वाली थार है। अब आप देखो पूरा थार, ये देखिए गजब है ना थार, गजब की। तो लुक वाइज अगर आप देखोगे ना तो एकदम ज़बरदस्त और भौकाली गाड़ी है भाई, सबसे ज़्यादा यूपी और हरियाणा में भी इसको लोग पसंद करते हैं, वहाँ की तो फेवरेट है। और अगर आप देखोगे तो इसका व्हील यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, सेंटर पर M की बेजिंग यानी महिंद्रा की बेजिंग आएगा और इसके अंदर आपका आएगा भाई एलॉय व्हील, ठीक है। MRF के टायर हैं वो भी ट्यूबलेस और 18 इंच की व्हील मिलेगी, पीछे दो ड्रम आगे दो डिस्क ABS के साथ। बॉडी पे यहाँ पर आपका इंडिकेटर मिलेगा, ये फाइबर का इतना ज़बरदस्त दिया गया है जो कि सेफ्टी पे अच्छा है। इंजन टाइप यहाँ पर है MHOK 130 एंटीना, यहाँ पे बोनट आपका पूरा, ये पूरी गाड़ी आपका ब्लैक रहेगा। दो आगे यहाँ पर वाशर मिल जाएगा और इसका ग्लास आप देख सकते हैं सामने से, और इधर भी आप साइड फेस देखेंगे तो इंडिकेटर आपको बॉडी के ऊपर अपर साइड पर मिल जाएगा। बम्पर इतना बड़ा आगे दिया गया है जो कि सेफ्टी है, अगर थोड़ा बहुत लड़ेगा तो ये आपका फाइबर पर ही जाने वाला है, आपके जो है गाड़ी पर डिफरेंस नहीं आएगा, डैमेज नहीं आएगा। थार का यहाँ पर आपका 3D वाला क्रोम फिनिशिंग की बेजिंग रहने वाली है और इसका ORVM यानी जो इसका मिरर है यहाँ पर भी आपको थार मिलेगा। और ये है थार का डुअर, जो कि दो ही डुअर आते हैं इसमें, 5 डुअर थार आने वाली है बहुत ही जल्द। तो 5 डुअर की अगर थार आएगी भाई तो मज़ा ही आ जाने वाला है, पहली बुकिंग तो मेरी तरफ से। यहाँ पर आप देखते हैं इसका फोटो रहेगा, इस पर आप पैराकैराम चढ़ सकते हैं, इससे थोड़ा लुक और बढ़ जाता है। पीछे भी आपको एलॉय व्हील देखने को मिलेगी 18 इंच के ट्यूबलेस टायर के साथ, लेकिन आपका ड्रम रहेगा पीछे। थार का यहाँ पर आपका बेजिंग और इसका आप टायर देखिए MRF का रहेगा। यहाँ पर आपका 4x4, अगर आप लेते हैं 2x2 का तो यहाँ पर रियर व्हील ड्राइव लिखा रहेगा RWD, ये डिफरेंस रहेगा। क्योंकि पहले क्या था कि 4x4 का बेजिंग लगा के 2x2 का लोग मज़ा लेते थे ज़बरदस्त, तो ये था कि उसमें पता नहीं लगता था कि 4x4 है कि 2x2 है, अभी कंपनी ने थोड़ा सा अपडेट कर दिए हैं। पीछे भी आपका फाइबर का इतना बड़ा बम्पर आएगा ताकि अगर थोड़ा बहुत लड़े तो ये आपका फाइबर पे ही जाएगा, आपकी कार जो है सेफ रहेगी बॉडी। यहाँ पर आपका टेल लाइट जो है वो आपका बल्ब वाला रहेगा और ये देखिए इंडिकेटर बल्ब वाले, ये आपका LED में रहेगा। थार का सेंटर पे बेजिंग और इस तरह से आप देखिए दो पार्किंग सेंसर रहेगा, रिफ्लेक्टर पीछे आपका, यहाँ पर थार आएगा, यहाँ पर आपका नंबर प्लेट लगेगा। स्पेयर व्हील यहाँ पर आपको मिलेगी जो कि वही है यानी कि जो इसके अंदर लगा हुआ है, MRF का एलॉय व्हील, सेंटर पर आपका M की बेजिंग, थार यहाँ पर भी लिखा मिलेगा, इसकी व्हील पर भी थार लिखा हुआ है, ये गजब का चीज़ है इसके अंदर। यहाँ पर आपका टेल लाइट देख सकते हैं, थार का बेजिंग, इंडिकेटर बल्ब, ब्रेक लाइट यहाँ पर आपका LED वाला, और यहाँ पर भी आपका आएगा रिफ्लेक्टर और रियर का जो हैंडल है ये आपका आएगा डोर का इस तरह से ब्लैक फिनिशिंग, तीनों सेम रहेंगे। और ये आपका डोर टोन फिनिशिंग पर रहेगा, इस तरह से यहाँ पर लॉक भी दिया गया है, इस तरह से देख सकते हो। तो बूट स्पेस ज़्यादा नहीं आपको मिलेगा, इतना ही मिल जाएगा, बाकी आप ज़्यादा चाहते हैं तो आप सीट को फोल्ड कर दीजिए, ज़्यादा हो जाएगा आपका, बाकी इतनी जगह जो है दी गई है, इस तरह से आपका रहेगा। और ये आपका डिफोगर रहेगा, इस तरह से पूरा रियर का लुक, ये भी आपका खुल जाता है लेकिन इसको पूरा खुलने के बाद। और ये आप देखते हैं बॉडी के साइड पे इतना बड़ा फाइबर का लगाया गया है, सेफ्टी पे लेफ्ट राइट साइड से सब कुछ से अच्छा रहने वाला है, लुक भी इससे बेहतर आएगा। अब ये रहा इसका फ्यूल टैंक का, जो कि डीजल है तो 57 लीटर आने वाला है इसके अंदर। यहाँ पर भी आप देखते हैं डोर का कैप, और ये डोर इस तरह से रहेगा, थार यहाँ पर लिखा मिलेगा, ये पूरा लुक इस तरह से रहेगा। अभी 5 डोर की आएगी तो थोड़ा लेंथ तो लंबाई बढ़ेगी ही, बट ये जो है अपने आप में तो भाई भौकाल अभी ही सही मचा रखी है, कब से आई है, एकदम 8-10 महीना की बैटिंग है इसको लेने में। अब सोचो आप अगर लेना भी चाहो तो 8-10 महीना आपको मिलेगी ही नहीं, ये सबसे इसका खतरनाक चीज़ है, ये देखो आप। अब हम बात कर लेते हैं इंटीरियर का, कि इंटीरियर में आपका क्या मिलता है। देखिए एक ही 2 डोर मिलेंगे, एक इधर एक उधर, तो इसके अंदर जो चाबी मिलता है ये आपका चाबी इस तरह से की इस तरह से रहेगा, ठीक है।
सेंट्रल लॉक इन, इसके अंदर की वाला स्टार्टिंग सिस्टम है। ये ऑटो का सेटअप है, यहाँ पर करेंगे तो ट्रैफिक में ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका एसी वेंट है और क्रूज कंट्रोल आपका रहेगा और स्टीयरिंग कंट्रोल यहाँ पर आपका कॉल मिस कॉल म्यूजिक का रहेगा। स्टीयरिंग आपका सर्कल में ही रहेगा डुअल टोन फिनिशिंग के साथ। ये रहा इसका सीट और सीट आपका इस तरह से ये एडजस्टेबल है, ठीक है, मैनुअल दिया गया है इसके अंदर। इतनी टॉप मॉडल में भी ये इस तरह से आपका रहेगा। यहाँ पर मैं रख के चढ़ता हूँ इसके अंदर, ये देखिए, ठीक है, ये 4x4 की पहचान, ये देखो 4x4 ये है 6 गियर के साथ। और इसके अंदर भाई डीजल इंजन आता है एमहोक का, जैसा कि आपको बाहरी एमहोक दिखा दिया हूँ, तो इंजन इसके अंदर आपका मिल जाता है एमहोक इंजन, ठीक है ना, वो आपका रहेगा 2184 cc डीजल इंजन आपका मिलता है। मैक्सिमम पावर है 97 kW, 33,750 rpm पे। मैक्सिमम टार्क है 300 Nm, 1600 से 2800 rpm। 6 गियर है, माइलेज आपका 16 से 17 का देने वाला है। और 7 इंच के यहाँ पर आपका इंफोटेनमेंट क्लस्टर रहेगा, एप्पल कारप्ले ये सब आपका मेजू मिल ही जाएगा। और एसी वेंट आप देख लो यहाँ पर, और ऑटोमेटिक एसी क्लाइमेट हैजर्ड बटन आपका यहाँ पर दिया गया है, यहाँ से हम बंद कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए आप खोल कोई भी चीज़ कर सकते हो। पूरा एसी का कंट्रोल दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। ये क्रूज कंट्रोल का सेटअप ऑन ऑफ से, पूरा हिल होल असिस्ट का सिस्टम, ट्रैक्शन कंट्रोल का यहाँ पर आपका, ये एसी का है, आप जैसे चाहे वो चला सकते हैं, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये देखिए आप यहाँ पर ये आप पकड़ने की जगह दी गई है, यहाँ पर भी स्पेस मिलेगा। 2 स्पीकर यहाँ पर दिया गया है, एक यहाँ पर दिया गया, ठीक है, 2 हो गया। ये रहा इसका डैशबोर्ड, इस तरह से रहेगा, सेमी कंसोल डिजिटल एनालॉग आपका रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए पूरा दिया गया है इस तरह से। इसका जो अपर साइड है ना, यहाँ पर आपको लाइट और 2 ट्विटर 2 स्पीकर ऊपर मिलेंगे आपको। और यहाँ पर पहले आप देख लो मिरर को, यानी विंडो को यहाँ से कंट्रोल होगा। बोतल यहाँ रख सकते हैं, ब्रेक लीवर ये आपका पूरा इस तरह से रहेगा, ठीक है, ये आप देख ली। अब ऊपर देखो आप, ये रहेगा, यानी कि फाइबर ऊपर का रहता है, इसके अंदर आपका मेटल नहीं रहता ऊपर साइड का रूफ जो है। यहाँ पर देखो ये पकड़ने की जगह, ये देखो स्पीकर यहाँ पर एक वहाँ पे, यानी 2 ट्विटर 2 स्पीकर ऊपर और 2 स्पीकर यहाँ पर आपको नीचे मिल जाएंगे, 4 स्पीकर ये आप देख सकते हैं। पीछे आप देखिए 2 ही लोग आप बिठा सकते हैं, देखिए सीट आप, ये 2 लोग के लिए सिर्फ बैठने की जगह है। रूफ आप देख लिए ऊपर का इस तरह से रहेगा, ठीक है। अब चलो पीछे, पीछे क्या दिखाएं, पीछे खुलेगा ही नहीं, यहीं से देख सकते हो ये, ठीक है, ये इस तरह से रहेगा। पूरा इंटीरियर देख लो आप, ये इस तरह से रहेगा। तो ये हो गया आपका लुक, और यहाँ से हम कर देते हैं इसको बंद और लाइट को भी ऑफ कर देते हैं। तो इंटीरियर आपने देख लिया, इस तरह से आपको मिल जाएगा। और अब हम बात करते हैं इसके ऑन रोड प्राइस का, और उसके बाद इसका फाइनेंस प्राइस, यानी कि डाउन पेमेंट कितना आएगा, ये सब मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं आपको बेस मॉडल का प्राइस बताऊँगा। बेस मॉडल की जो कीमत है वो 14,21,000 रुपये है, बेस वेरियंट का, ठीक है। ऑन रोड प्राइस जो आप इस मॉडल का देख रहे हैं 4x4 का, इसका है 17,61,000 ऑन रोड प्राइस। अगर आप बेस वेरिएंट का लेना चाहते हैं तो 1.5 से 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर आप ले सकते हैं। इंटरेस्ट आपका 9 से 9.25% जाएगा। अगर आप मान के चलिए कि 10 लाख का फाइनेंस कराएंगे 5 साल या 7 साल के लिए, तो लगभग 2 लाख 2.5 लाख रुपए आपका एक्स्ट्रा जाएगा, ठीक है। लेकिन 3 लाख पकड़ के चलिए, जैसा आप डाउन पेमेंट ज़्यादा देंगे तो आपका अच्छा रहेगा। अगर 8 लाख 10 लाख फाइनेंस कराएंगे 2.5 लाख 3 लाख एक्स्ट्रा आपका जाने वाला है। और उसके बाद अगर आप 17,61,000 वाली यानी ये लेंगे 4x4, तो आपको डाउन पेमेंट 3 से 4 लाख रुपया करना पड़ेगा। सिविल के ऊपर आपके डिपेंड करता हो, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए। और ये कार आपको मिलेगी, यहाँ पर देखते हैं, ये है प्रेसिडेंट मोटर्स नवसारी गुजरात।